संभव। तुम कह को खाली पीली भगवान रामचंद्र की तरह बातें करते हो। मैं बोलता हूँ अपने को बोनस देने का उनका बिल्कुल इरादा नहीं है। वो साला मैनेजर, उसके सामने बोनस की बात करो तो काटने को आता है। मैं बोलता हूँ इसका जवाब देना पड़ेगा अपने को। अपने को हड़ताल करनी पड़ेगी। ठहरो ठहरो, कैसी बात करते हो गणपत? हम मजदूरों के हर सवाल का जवाब हड़ताल ही है क्या? इन चलती हुई मशीनों को बंद कर दें। सुन, अपनी मांगे हासिल करने के लिए हम ये तरीका अपनाना ही पड़ेगा। बहुत घटिया और बेहुदा तरीका है। किसके खिलाफ हड़ताल करोगे? मैनेजर के खिलाफ? वो होता कौन है? इस मिल का मालिक है, वो भी हमारी तरह तनख्वाह पाने वाला मुलाजिम है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम खाकी कपड़े पहनते हैं और वो सूट पहनता है। हाँ बाबा बराबर है, लेकिन तुम्हारा वो सूट वाला बात करते रहे, इतना भाव काहे को खाता है? इसलिए कि वो मिल मालिक का रिश्तेदार है और रिश्तेदार ही मजदूर और मालिक के बीच में रिश्ता बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक आध दिन में फैक्ट्री की मालकिन हिंदुस्तान वापस लौट रही है। हम अपनी मांगे और जरूरतें उनके सामने पेश करेंगे। रवि सलाम। मोटी घुस आया। फादर हिलना नहीं, हिलना नहीं मोटी, हिलना नहीं। मैं समझता हूँ 8:30 बज गए, चल जल्दी उठ। अरे सोने दो फादर, वो क्या है कि रात को मजदूरों के साथ मीटिंग थी कंपनी में, उसमें मैं बहुत लेट हो गया। मैं हाँ वो मुझे मालूम है, लेकिन मैं समझता हूँ 9 बजे जहाज आता है। कौन सा जहाज? जिसके घर में हम रहते हैं, जिसके स्वर्गीय पिता की फैक्ट्री में तू मैनेजर है, तेरे दूर के चाचा की बेटी और मेरे दूर के रिश्ते की भांजी आज वो बरसों बाद अमेरिका से लौट रही है, तुझे जरा भी फिक्र नहीं उसकी? आप नीचे जाके बैठो ना, मुझे तैयार होना है। फूलों के हार की कीमत क्या होगी? 10-15 रुपए। क्या हमारी फैक्ट्री इतने नुकसान में चल रही है? पिताजी की तस्वीर के लिए एक हार खरीदने को पैसा नहीं रहा। रवि, एक फूलों की हार की कीमत कितनी होती है? 10-15 रुपए। तो क्या हमारी फैक्ट्री इतने नुकसान के घेर में चल रही है कि एक हार खरीदने को पैसे नहीं रहे तुम्हारे पास? ऐसी कोई बात नहीं है सीता देवी, हर रोज इन हाथों से फूल चढ़ाता हूँ इस तस्वीर पर, लेकिन तुम्हारे आने की खुशी में 3 दिन पहले मैं बालाजी के मंदिर गया था। उस वक्त काम मैंने नौकरों के सुपुर्द कर दिया था। काम मर गए सब। शंकर शंभू टीटे टोली सब आओ इधर। तुम लोगों की मदद क्या कुछ सुनना पड़ता है मुझे? अंकल। हाँ बेटी। मुझे ये गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस घर में साफ सफाई और डिसिप्लिन चाहिए। आज के बाद सब नौकर साफ सुथरे और यूनिफॉर्म पहने हुए चाहिए। अच्छा। अंकल। हाँ। वो जो बाहर बैठा बीड़ी पी रहा है उसे नौकर से छुट्टी कर दीजिए। अच्छा। अटेंशन स्टैंडर्ड इज, अटेंशन स्टैंडर्ड इज, अटेंशन स्टैंडर्ड इज, अटेंशन स्टैंडर्ड इज। अबे
हाथी गेंडे वैसे की औलाद म्यूनसिपालिटी के इंजन मेरे पैर की चटनी बना दिया। अबे तेरी आंख में नीचे देखने का गियर नहीं है क्या? आपको बोला है कि परेड करने के टाइम पे नीचे नहीं देखा बोल के। अबे वो भूत के डराने वाले हैवान, रूस अमेरिका को झगड़ा करने के लिए एटम बम की क्या जरूरत है? उसको खींच के हमारे आधी दुनिया उड़ जाएगी। अब खा कसम दोबारा मेरे पैर पे पैर नहीं रखेगा। मैं कसम खाता हूं। तेरी माँ ने तेरे को 9 महीने पेट में कैसे रखा होगा? लगता पहले दिन ही तू उसके पेट से टपक गया होगा। अरे बुलडोजर तू खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? उठा ना। अबे तू मेरे पैर के नीचे ऊपर हाथ पकड़। वेरी गुड। अंकल कहाँ है? मैं पूछती हूँ अंकल कहाँ है? बदतमीजों मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ और तुम लोग खामोश क्यों खड़े हो? हमसे कहा गया है कि आप जब आए तो हम अपना मुंह बंद रखें। अपना मुंह बंद रखें। खच्चर की औलादो, मैंने खामोश रहने को कहा है, सवाल का जवाब देने को मना थोड़ी किया है। तुम लोग के दिमाग का गिर गया, टूट के बाहर गिर गया। तुम हंस क्यों रही हो? अंकल ये यूनिफॉर्म क्यों पहन रखा है? बेटी तुमने कहा था ना घर के सभी लोगों को यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, तो मैंने भी पहन लिया। मेरे मतलब था घर के नौकरों को पहनना चाहिए। जाइए यूनिफॉर्म चेंज करके आइए। क्यों, मुझे नौकरी से निकाल दिया? छी, कैसे बातें करते हैं अंकल, आप नौकर थोड़ी हैं, आप तो मालिक हैं। जाइए कपड़े चेंज करके आइए। बेटी ये अच्छा दिखता है, मैंने सुबह आईने में देखा तो मेरे को ऐसा लगा मेरे नजर लग जाएगी, तो मैंने फौरन काला टीका लगा लिया। अंकल ज्यादा मत हंसाइए, ये तो नौकरों के कपड़े हैं, आपको तो हमेशा सूट पहनना चाहिए। सूट? नहीं नहीं, सूट मुझे सूट नहीं करता है, मेरा गियर बदल जाता है उसमें। इसमें शर्म की क्या बात है? जब भी मैं मीटिंग या कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी तो आप मेरे साथ आएंगे और वो भी सूट पहनकर। मैं अंगूठा छाप आके क्या करूंगा? रवि आएगा ना तुम्हारे साथ? वो तो आएगा लेकिन आपको भी साथ में चलना पड़ेगा। जाइए। क्यों राम बाबू, मालकिन को माला पहनाने जा रहे हो? जाओ जाओ, तुम लोग उसके गले में माला पहनाओ और वो तुम्हारे गले में फांसी का फंदा पहनाएगा। मैडम केस, फैक्ट्री के मजदूर आपसे मिलने आए हैं, उनसे कहो मैं अभी आती हूँ। जी अच्छा। सीता, मैं तुम्हारे पिता को कभी भुला नहीं सकता, उनके एहसानों तले मेरा रोम रोम दबा हुआ है। तुम उनकी बेटी हो, तुम्हारे दिल में जो उनके लिए प्यार है उसे भी कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन आज आज जो मैं बात तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें शायद नहीं मालूम, ना ही तुम्हारे पिता बीमार थे और ना ही उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो गई थी कि उनका साया हम लोगों के सर से इतनी जल्दी से उठ जाता। ये मजदूर जो बाहर खड़े हैं वही तुम्हारे पिता की मौत के कारण है। तुम्हारे पिताजी ने इन मजदूरों के लिए क्या कुछ नहीं किया, उन्हें नौकरों की तरह नहीं बच्चों की तरह रखा, उनकी जरा सी तकलीफ पिताजी उनके घर पे पहुंचाया करते थे। लेकिन इन मजदूरों ने तुम्हारे पिताजी को बहुत तंग किया, तनख्वाह इंश्योरेंस बोनस दिवाली का खर्चा होली का खर्चा इतना सब करने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हारे पिताजी को हड़ताल की धमकी दी, गाड़ी के आगे लेट गए, घेराव किया, गालियां दी, मुर्दाबाद के नारे लगाए। अंकल एक जज्बाती इंसान थे, उनसे सदा बर्दाश्त ना हुआ और उनको दिल के दौरे पड़ने लगे, फिर भी ये लोग बाज ना आए और आखिर अंकल को मौत के मुंह सुलाके ही छोड़ा। ये मजदूर लोग समझते हैं कि जिस घर में हम रहते हैं, जिन गाड़ियों में हम बैठते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो उनके खून पसीने की कमाई है, जो सिर्फ उनको मिलने चाहिए। अब मालिक उनको पगार देता है, बोनस मंगाए करता है, जो भी देता है वो समझता है कि धरकर देता है, क्योंकि क्योंकि मशीनों का जो बटन है वो मजदूर के हाथ में। उन लोगों से कहो कि मेरा घर है, मिलना है तो ऑफिस में आके मिले। मालकिन बहुत बिजी है, इस वक्त किसी से मिल नहीं सकते। मालकिन बरसों के बाद हिंदुस्तान लौटी हैं, इसलिए हार पहनाकर उनका स्वागत करना चाहते हैं। उन्हें इस 2% के हार की कोई जरूरत नहीं है। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, प्लीज गो। थैंक यू। क्यों पहना है माला? लाओ यार लाओ, अपने पुराने साथी को पहनो माला। जा रहे हो?
वाह, बहुत अच्छा गाते हैं आप। शुक्रिया, बस यही कुछ गुनगुना लिया करता हूँ। ये कविता किसके लिखी हुई है? ऐसे जब दिल पर कोई बात असर कर जाती है तो कुछ उल्टा सीधा लिख लिया करता हूँ। मतलब आपने लिखी है? बहुत अच्छा लिखते हैं आप और गाते भी अच्छे हैं। लगता है आपको संगीत से बहुत लगाव है। कौन है जिसे संगीत से लगाव नहीं होगा? मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन है? बस यूं समझ लीजिए कि मैं संगीत की पुजारी हूँ। और आप? मेरे बारे में यूं कह लीजिए कि मैं संगीत के पुजारियों का पुजारी। आप यहाँ हर सुबह आते हैं? जी, अक्सर आया करता हूँ। आपके गीत क्या, बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।